अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी टंग्स किचन। आज हम बनाएंगे पेशावरी चापली कबाब की रेसिपी। तो इसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स लेंगे काली मिर्ची, बड़ी इलायची, दालचीनी का चकला, इलायची, लौंग, शाजीरा और धनिया। धनिया 2 स्पून, काली मिर्ची 1.5 स्पून, शाजीरा 1 स्पून, 2 दालचीनी के चकले, 5 इलायची, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची। ये सब चीज़ों को मिक्सी में डाल के पीस लेंगे हम। ये मटन ले ली मैं, मटन को साफ धो के पीस के रख ली मैं। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे हम 2 स्पून। जो हम मसाला बना लिए थे वो मसाला ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची ऐड कर देंगे बारीक चॉप की हुई, 5 हरी मिर्ची है ये। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, 1.5 स्पून जितना नमक डाली मैं। हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 स्पून, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे हम 1.5 स्पून। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। ये पेशावरी कबाब में हम हैदराबादी स्टाइल में बना रहे हैं। प्याज डाल देंगे चॉप की हुई, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली मैं। एक टमाटे को भी चॉप करके ले लेंगे हम। इसमें का पानी नहीं डालना, सिर्फ इसमें जो चॉप किए हुए टमाटे हैं वो डालना, पानी इस तरह से झुकाने से निकल जाता। 800 ग्राम मटन ली मैं। कोथमीर डाल देंगे हम इसमें बारीक कट करके, 1 मुट्ठी जितनी। अब हम इसमें अंडा डाल देंगे, 2 अंडे डाल रही हूँ मैं इसमें। अब हम इसमें बेसन डाल देंगे, 3 स्पून जितना बेसन डाल रही हूँ मैं इसमें। एक नींबू लेके उसका रस निकालेंगे हम। अब ये सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए, इसमें जितना आपको लगता। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको हम। हो गया ये। अब हम इसको, ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम एक तवा चढ़ा लेंगे गैस पे, बड़े साइज़ का तवा लीजिए तो बहुत अच्छा रहता। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे तलने के लिए कबाबों को। अब हम कबाब बना लेंगे, जो आप साइज़ का बनाना चाह रहे ले सकते हैं। पहले आप छोटा साइज़ का ही बनाकर देखिए। इस तरह से दबाते हुए प्रेस करना। अब हम एक बर्तन ले लेंगे, उस पर रख के प्रेस करेंगे इसको। इस तरह से हल्लू निकालना है इसको। ये देखिए मैं तो टूट जाता, एहतियाती से निकालिए। इसी तरह से दूसरा भी बना के रेडी कर लेंगे हम। इस
तरह से प्रेस करते हुए जो साइज़ का आप बनाना चाह रहे हैं वो बनाइए। इसको उठाते वक्त पहले किनारों से हल्का हल्का उठाइए, जिस तरह से हम रोटी को उठाते उस तरह से उठा के तवे पे छोड़ना। हम तेल गरम हो गया, अब हम इसमें कबाब डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से डाल देना, थोड़ा साइड में कर देंगे हम इसको। अब हम दूसरा कबाब भी डाल देंगे। थोड़ा सा तेल साइडों में डालेंगे हम। वैसे तो ये चिपक रहा नहीं था, लेकिन फिर भी आप इस तरह से तेल डालकर नीचे की तरफ उतारिए इसको। फिर से हम एक ले लेंगे हम कबाब के लिए गोश्त। अगर आप कंफर्टेबल है तो तवे पे भी इस तरह से प्रेस करते हुए इसमें तल सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल है तो, नहीं तो आप सेपरेट से बनाकर तवे पर डालिए। इस तरह से भी कर सकती है, लेकिन आप एहतियाती करके डालिए। ज़्यादा मोटा मत रखिए आप कबाब को। टर्न कर लेंगे हम इसको। एक चमचे की मदद से पलटा लेंगे हम इसको। पलट पलट करते हुए तल लेंगे हम इसको, फ्राई कर लेंगे। फिर से पलटा लेंगे हम इसको। प्रेस कर लेंगे इस तरह से। बहुत मज़े के बन के रेडी होते ये। जब भी आप कबाब बना रहे तो इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इस तरह से थोड़ा कबाब को एक साइड से उठाकर तलने से नीचे से अच्छा तले जाता। ये देखिए रेडी हो गया, साइड में कर लेंगे हम इसको। अभी हम प्लेट में निकाल लेंगे इसको। इसी तरह से हम दूसरे कबाबों को भी बना के रेडी कर लेंगे। अगर आप एक साथ पहले से बना के रख के फिर तलना चाह रहे तो भी तल सकते, या फिर जब का जब बना कर भी तलना चाह रहे तो तल सकते। टर्न कर लेंगे। पेशावरी कबाब में तीखापन नहीं रहता ज़्यादा, लेकिन अपन हैदराबादी है, अपने को तीखा होना पड़ता, इसलिए मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड करी। अगर आप नहीं डालना चाह रहे तो मत डालिए। तरह से प्रेस करने से अच्छे से तले जाते।
निकालेंगे हम इसको भी। अगर आप तवे पे नहीं तलना चाह रहे या फिर पैन में तलना चाह रहे तो आप पैन में भी तल सकते हैं इसको। रेडी हो गए ये भी, इसको भी निकाल लेंगे हम। अब मैं आपको पैन में भी तल के दिखाती हूँ। तेल ऑलरेडी डाल दी मैं इसमें, गरम हो गया तेल भी। अब हम इसमें कबाब डाल देंगे। अगर आपको कबाब मोटा दिख रहा तो इस तरह से प्रेस कर लीजिए डालने के बाद में। दूसरा कबाब भी डाल देंगे। खा लेंगे हम इसको। साइड बाय साइड चेंज करते हुए तल लेना। फिर से उलट पलट कर लेंगे। इसको आप दाल के साथ, पराठों के साथ, रुमाली रोटी के साथ भी बहुत अच्छा दिखता है ये। अब हम डिश आउट कर लेंगे। मैं इसको पराठों के साथ दही की चटनी और अनियन के साथ सर्व कर रही हूँ। सेट कर लेंगे हम कबाबों को। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। ये देखिए कितना अच्छे से बन के रेडी हो गया, ये अंदर तक भी अच्छे से तले गया। बहुत मज़े के बन के रेडी हुए थे ये। इसको आप दही की चटनी और अनियन के साथ सर्व कीजिए, बहुत मज़े का बनता है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।